डेंटल प्रॉब्लम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम, स्मॉल स्केल पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है मैम कि ब्लीडिंग गम्स। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो इग्नोर भी होता है बहुत ज्यादा, मतलब दांतों से मसूड़ों से खून आना, इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं। लोगों को लगता है ठीक है खून आ रहा है, थोड़ा कुछ होम रेमेडी करके ही वो ठीक हो सकता है, बट ये एग्रेवेट हो जाता है। ये अगर बढ़ जाता है तो दांतों की जो मजबूती है, जो जकड़ है मसूड़े में, वो वीक हो जाता है। दांत वक्त से बहुत पहले हिलना शुरू हो जाता है। तो गम से ब्लड का आना ये एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जो मतलब बहुत अक्सर पाया जाता है अलग अलग एज ग्रुप में, खास करके जो हम लोगों का ईटिंग हैबिट है दीज डेज, जो जंक फूड का कंजम्पशन है, स्टिकी फूड का कंजम्पशन है, के दांतों में कहीं कहीं खाना का रह जाना, फंसा रह जाना। क्योंकि ब्रशिंग जनरली ज्यादातर पॉपुलेशन, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग करते हैं, रात की ब्रशिंग को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, या जो लोग देते हैं तो वो ऑफकोर्स ओरली हेल्दी रहते हैं। तो एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है कि मसूड़े से खून आना। दूसरा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी, दांत में कनकनाहट होना। कनकनाहट की वजह भी ऑफ कोर्स वहीं से इंक्रीज होती है। अगर मसूड़े वीक हो जाएंगे तो वहां से ही कनकनाहट का रास्ता शुरू होता है। तो अगर बहुत स्टार्टिंग में खून आना, या फिर इनिशियल ठंडा पानी चाय पीने से कनकनाहट या सनसनाहट फील होती है, और उसी स्टेज में किसी डेंटिस्ट को मिलकर के अपने इस छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लिया जाए, तो ये कल को बड़ा नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स इससे काफी डिफरेंस फील होगा पेशेंट्स को, ये कल को और एग्रेवेट नहीं होगा। आपने अगर पूछा कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है, तो ब्लीडिंग गम्स एंड सेंसिटिव टीथ आर द टू मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों को अक्सर फेस होता है।